जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 का प्रकाश। प्रकाश में रह गया है लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र। लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने जो सूत्र निकाला, बाकी जितने भी दूरियां हम लोग ज्ञात करते हैं, बाकी के सूत्रों में जितनी भी दूरियों को ज्ञात करते हैं वो हम लोग ज्ञात करते हैं कहां से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। लेकिन न्यूटन ने क्या किया, जो वस्तु की दूरी और जो प्रतिबिंब की दूरी को दूरी था वो कहां से ज्ञात किया, फोकस से, लेंस से, लेंस के फोकस से ज्ञात करके एक फार्मूला निकाला, जो न्यूटन का फार्मूला कहलाता है। उस फार्मूले का डायरेक्शन आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 प्रकाश, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें देखेंगे न्यूटन का सूत्र, न्यूटन का सूत्र, न्यूटन का सूत्र देखेंगे। न्यूटन ने क्या किया, सारी दूरियों को कहां से नापा, बिंब और प्रतिबिंब की दूरियों को फोकस से नापा। अब फोकस से नाप करके एक फार्मूला ड्राइव किया, उस फार्मूले को हम लोग निकालना सीखेंगे। इसमें क्या किया जाता है, उत्तल लेंस के लिए हम लोग निकालेंगे। मान लेते हैं ये कोई उत्तल लेंस है, ये कोई उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशित केंद्र है, ये इसका मुख्य अक्ष है, इसका मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष होता है ये, यहां पे इसका प्रथम फोकस है एफ डैस, प्रथम फोकस इसका है एफ डैस, लगभग इतनी दूरी पे, क्योंकि दोनों का अगर मीडियम सेम होगा तो एफ डैस और एफ दोनों क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र को हम लोग सी मान लेते हैं, ये दूरी लगभग सेम होगा, जब दोनों का मीडियम क्या होगा, सेम होगा, ये मान लेते हैं हम लोग एफ है। हम लोग क्या करते हैं, बिंब को रखते हैं, बिंब को रखते हैं यहां बिंदु ओ पे, ये कोई बिंब है ओ ओ डैस, कोई बिंब है, फिगर को ड्रा करेंगे, फिगर बढ़िया ड्रा होना चाहिए, बिंब है। बिंब से क्या होता है, एक किरण को हम लोग लेके जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से जाती है, अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाती है, इस तरह से निकल जाएगी, अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से जा रही है, ऐसे चली गई, फोकस से जाती है, अपवर्तन यहां से हो रहा है। दूसरे किरण को हम लोग लेके जाते हैं, इस फोकस से लेके जाएंगे, दूसरे किरण जो फोकस से होके जाएगी, फोकस से जा रही है, फोकस से जो किरण जाती है वो क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये किरण क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। जो किरण समांतर जाती है अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, फोकस से होके जाती है, जो किरण फोकस से होके जाती है अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन का नियम है, जहां पे दो अपवर्तित किरणें मिलती हैं वहां पे किसी बिंब का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है, ओ ओ डैश का यहां प्रतिबिंब बन जाएगा, ये प्रतिबिंब हो जाएगा आई आई डैश हो जाता है, आई आई डैश हो जाता है। एक रेस हम लोग क्या करते हैं, यहां से लेके जाते हैं, इसके थ्रू लेके जाते हैं, मुख्य अक्ष के थ्रू जो जाता है वो इसके बेस को बनाता है, जो आपका प्रतिबिंब होता है उसके बेस को बनाता है, ये मुख्य अक्ष से जाने वाली रेस, इस तरह से ये फिगर आपका बन जाएगा। जब फिगर बन जाएगा तो बाकी चीजों को हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, डिस्टेंस को देखो, ये जो डिस्टेंस होगा प्रकाशित केंद्र से प्रथम फोकस की जो दूरी होती है उसको प्रथम फोकस दूरी बोलते हैं, इसको बोलेंगे एफ डैश। प्रकाशिक केंद्र से जो द्वितीय फोकस की दूरी होती है
इसको बोलते हैं एफ। बिंब की दूरी को हम लोग कहां से नापेंगे? एफ से, एफ डैश से। बिंब की दूरी को मान लेते हैं एक्स डैश, बिंब की दूरी को हम लोग मान लेते हैं एस डैश, बिंब की दूरी को एफ डैश मान लेते हैं। ये एक्स डैश हो गया। प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस से बिंब की दूरी को हम लोग एक्स डैश दूरी पे मान लेते हैं, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग एक्स मान लेते हैं। इस तरह से मान लिया। अब ये आपका फिगर बन गया। फिगर जब बन गया तो चीजें आसान हो गई। तो इसको हम लोग दो लाइन जैसे हम पहले वीडियो बताते आए हैं उसी तरह से इसमें भी करना। अगर मान लीजिए कि आपके बोर्ड की परीक्षा में अगर ये पूछा जाता है कि लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन के सूत्र को ड्राइव कीजिए, तो क्या करेंगे इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, चार चार लाइन क्या करना है इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। कैसे लिखेंगे हम लोग, मान लेते हैं कोई लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस एल है, एल इसका जो मुख्य अक्ष है, जो मुख्य अक्ष है ओ आई है, मुख्य अक्ष पर को इसका जो प्रथम फोकस है एफ डैश है, द्वितीय फोकस है एफ है, जो बिंब है, बिंब है ओ ओ डैश है, इस बिंब का लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बना हुआ है आई आई डैश बना हुआ है, प्रथम फोकस से बिंब की दूरी को एक्स डैश, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी को एक्स, प्रथम फोकस दूरी एफ डैश और द्वितीय फोकस दूरी को हम लोग क्या लिख देंगे एफ लिख देंगे। ये चीजें हम लोग क्या करेंगे, दो चार लाइन लिख देंगे। अब उसके बाद हम लोग ड्राइव करने चल रहे हैं, फार्मूला को ड्राइव कर लेंगे। देखो इसमें क्या होता है, हम लोग दो ट्रायंगल देखेंगे। ट्रायंगल सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल एफ ओ ओ डैश चित्रानुसार क्या हो जाएगा, चित्रानुसार क्या होगा, चित्रानुसार ट्रायंगल एफ डैश ओ ओ डैश, ट्रायंगल एफ डैश ओ ओ डैश और ट्रायंगल एफ डैश सी, ये भी पॉइंट क्या है सी है, सी और यहां पे पॉइंट हम लोग कोई ले लेते हैं, यहां पे एम ले लिया, यहां पे एन ले लिया, एन पॉइंट एन ले लिया, तो त्रिभुज एफ सी एन तथा त्रिभुज एफ डैश एफ डैश सी एन, एफ डैश सी एन, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। क्यों है, क्योंकि देखो ये एंगल इक्वल है, क्यों इक्वल है, ये जो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके समरूप हो गए। तो त्रिभुज एफ डैश ओ ओ डैश तथा एफ डैश सी एन क्या है समरूप है, समरूप है। समरूपता को हमको लिखना नहीं है, खाली लिख देंगे हम लोग समरूप है, समरूप है। क्यों समरूप है इसको लिखना कोई आवश्यक नहीं है, जब समरूप है समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, समरूपता के नियम से, समरूपता का नियम क्या होता है वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, समरूपता के नियम से देखिए, समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है, संगत भुजा इस कोण के संगत ये भुजा, इस कोण के संगत ये, दोनों बराबर है ना, इनके संगत ये, इसके संगत ये, दोनों का जो अनुपात होगा यानी ओ ओ डैश, ओ ओ डैश बटे ओ ओ डैश बटे सी एन बटे कितना जाएगा सी एन इक्वल्स हो जाएगा पहले इस भुजा को लिए इस ट्रायंगल के और बाद इसको लिए हैं, तो पहले दोबारा क्या करेंगे इसी भुजा को लेंगे, क्या हो जाएगा एफ डैश ओ, एफ डैश ओ अपान हो जाएगा सी एफ डैश, सी एफ डैश हो जाएगा ठीक। इसी प्रकार इसको इक्वेशन नंबर वन बना लेते हैं हम लोग। अब एक चीज यहां पे एक चीज और लिख लेते हैं हम लोग, देखिए जो सी एफ सी एन है, सॉरी ये सी एन है, कितना है सी एन, सॉरी
CN सही है। देखिए O O डैश बटे कितना O O डैश बटे सी एन फिर कितना हो जाएगा F डैश O बटे सी एफ डैश से सी एफ डैश ठीक है ना, ये इतना हो जाएगा। अब चूंकि क्या है जो सी आई लाइन है वो एन आई डैश से क्या है समांतर है, चूंकि यहां पर लिखेंगे चूंकि कौन सा लाइन सी आई क्योंकि सी आई पैरेलल है किसके एन आई डैश के एन आई डैश के जब जो पैरेलल है इसलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगे बराबर होंगे, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या बराबर हो जाएगा कि सी एन बराबर हो जाएगा आई आई डैश, इसलिए सी एन बराबर हो जाएगा आई आई डैश ये बराबर हो जाएंगे। यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं सी एन की जगह पे आई आई डैश, इसलिए लिख देंगे इसको हम लोग ओ ओ डैश अपान हो जाएगा सी एन की जगह हो जाएगा आई आई डैश इक्वल्स हो जाएगा एफ डैश ओ अपान हो जाएगा एफ डैश ओ अपान हो जाएगा सी एफ डैश हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर वन बनाएंगे। इसी तरह ट्रायंगल एम सी एफ इसी प्रकार ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल एम सी एफ ये क्या है समरूप है समरूप है, ये समरूपता का चिन्ह होता है समरूप है किसके इसके एफ आई आई डैश के एफ आई आई डैश ये क्या है समरूप है सेम जो यहां पे रूल जिस रूल से यहां समरूप है उसी रूल से वहां पे भी समरूप है। यहां देखिए समरूपता के नियम से समरूपता के नियम से समरूपता के नियम से यहां क्या हो जाएगा समरूपता के नियम से यहां पे भी समरूपता का नियम लगाएंगे। समरूपता के नियम क्या बनेगा कि सी एम सी एम सी एम एम सी एम सी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा एम सी अपान आई आई डैश बराबर पहले ये बुझा लिए फिर ये बुझा लेंगे सी एफ अपान कितना हो जाएगा इसका वाला बुझा इसका बुझा लिए इसका बुझा लेंगे एफ आई एफ आई होगा। अब यहां पे भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि जो ओ एम ओ डैश है पैरेलल है क्योंकि एम ओ डैश पैरेलल है एम ओ डैश पैरेलल है किसके सी ओ के ये पैरेलल है जब ये दोनों पैरेलल है तो क्या हो जाएगा यहां पे एम सी बराबर हो जाएगा ओ ओ डैश एम सी इसलिए एम सी इक्वल्स हो जाएगा एम सी इक्वल्स हो जाएगा ओ ओ डैश ओ ओ डैश ओ ओ डैश हो जाएगा हम लोग एम सी की जगह लिख देंगे ओ ओ डैश देयरफॉर ओ ओ डैश अपन आई आई डैश इक्वल्स हो जाएगा सी एफ अपन हो जाएगा एफ आई ठीक। इक्वेशन नंबर टू देखो इन दोनों इक्वेशन में क्या है इक्वेशन वन एंड टू में क्या है इसका लेफ्ट साइड क्या है इक्वल लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड क्या होगा इक्वल होगा तो फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इक्वेशन वन एंड टू इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा एफ डैश ओ अपान हो जाएगा एफ डैश ओ अपान सी एफ डैश इक्वल्स हो जाएगा सी एफ अपान एफ आई सी एफ अपान एफ आई हो जाएगा ठीक एफ डैश ओ अपान सी एफ डैश। अब एफ डैश ओ अब हम लोग सबके मान को रख देते हैं एफ डैश ओ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसको जो ये आपका इंसिडेंट रेज है यानी आपतित किरण है आपतित किरण के विपरीत में माप रहे हैं इसको ना आपतित किरण विपरीत में माप रहे हैं इसका डिस्टेंस क्या होगा माइनस होगा एफ डैश ओ का जो हम लोग डिस्टेंस लेंगे कितना हो जाएगा एक्स डैश को हम लोग क्या रखेंगे माइनस में अपान सी एफ डैश ये क्या है फोकस दूरी है इसकी फोकस दूरी इधर को मेजर किया जाएगा इसलिए ये भी क्या होगा माइनस में होगा माइनस एफ डैश इसका प्रथम फोकस दूरी हो जाएगा एफ डैश इक्वल्स हो जाएगा सी एफ
सी एफ, सी एफ का मान कितना हो जाएगा, ये कितना है एफ है, द्वितीय फोकस है। ये हम लोग किधर मापेंगे, इधर आपकी किरण की दिशा में, जो दिशा में मापते हैं वो धनात्मक होता है। यहां क्या हो जाएगा एफ अपान कितना हो जाएगा एफ आई, एफ आई इसका मान कितना हो जाएगा एक्स, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स डैश अपान एफ डैश इक्वल जाएगा एफ अपान कितना हो जाएगा एक्स, इतना हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, या इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स एक्स डैश इक्वल जाएगा एफ एफ डैश या एफ डैश, तो ये चीज आपको मिल जाता है ना। तो ये इसका क्या है, न्यूटन का फार्मूला यही है, न्यूटन का फार्मूला ये होता है, तो यही न्यूटन का फार्मूला है ना, यही न्यूटन न्यूटन का सूत्र है, सूत्र है। तो देखिए ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका फिगर ड्रा करेंगे, आप लोग क्या करेंगे फिगर ड्रा करेंगे, इसका फिगर ड्रा करने के बाद इस पे समझेंगे, बोर्ड पे समझेंगे, यहां समझने के बाद खुद से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, और कोई भी फार्मूला हो, कोई भी डायरेक्शन हो, उसको 2 से 4 बार 6 बार 8 बार कर दीजिए, उसके बाद वो आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाता है, फिर आपको रिविजन करना रहेगा केवल। तो इसी समय इसका इसको 2 बार 4 बार 6 बार क्या करिए, रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपके दिमाग में क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये न्यूटन का सूत्र देखे, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे विस्थापन विधि द्वारा किसी लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। वास्तव में ये होता तो है आपके प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल ये आपके क्या होता है, प्रैक्टिकल लैब में कराया जाता है, इसका प्रैक्टिकल कराया जाता है, फिर जो बच्चे किए होंगे उनके लिए इस अगले फॉर्मूले को समझना बहुत आसान होगा। जो लोग नहीं समझे होंगे या जो लोग प्रैक्टिकल लैब में नहीं गए होंगे उनको हम कोशिश करेंगे कि वो किस उनको हम क्या नाम था विस्थापन विधि को, डिस्प्लेसमेंट मेथड को समझा सकें। तो अगले वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।